यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए अब आपको हरियाणा पुलिस के दो जवानों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर आप खुद देखेंगे उनकी करतूतों को। एक तस्वीर हरियाणा के सोनीपत की है, जहां पर हरियाणा पुलिस की ओर से एक होमगार्ड की ड्यूटी नाके पर लगाई गई है, जहां पर होमगार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान ईमानदारी से रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। हरियाणा पुलिस की रिश्वत लेते हुए ये वीडियो वायरल हुई है। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाके पर ड्यूटी लगी है पुलिसकर्मी की और किस तरीके से वो दिन दिहाड़े रिश्वत ले रहा है। वही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा के नशेड़ी पुलिस कर्मी की है, जहां पर कैथल में एक एसएचओ नशे की हालत में हंगामा करता दिखाई दे रहा है। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो अपनी वर्दी का रोब दिखाता नजर आ रहा है। इन दोनों तस्वीरों के बाद आप और हम लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि कैसे हरियाणा की जनता अपने आप को सुरक्षित समझे। दोनों तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर एक पुलिसकर्मी नाके पर जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वो रिश्वत लेता नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर नशे में एसएचओ साहब अपनी वर्दी का रोब दिखाते नजर आ रहे हैं। और ये घटना आपको बता दें कि एसएचओ साहब की गाड़ी ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी और इसे अस्पताल ले जाने की बजाय, उसे माफी मांगने की बजाय, वो नशे की हालत में यहां पर नजर आ रहे हैं और अपनी वर्दी का रोब दिखाते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब भीड़ इकट्ठा हुई तो उन्होंने इस बात को लेकर माफी भी मांगी है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा के सोनीपत से, जहां पर सरेआम पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत ली जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि कानून बनाने वाला ही, आप देख सकते हैं किस तरीके से कानून तोड़ता नजर आ रहा है।